उससे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर रहा है और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि मुझे जब मेरी सरकार का तीसरा वर्ष उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए व्यतीत हो रहा है तो मुझे यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव दूसरी बार करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ केंद्रीय युवा कल्याण और खेलकूद विभाग के लोकप्रिय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश को मेरे इस कार्यकाल के दौरान इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करने का अवसर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, श्रीमान किरेन रिजिजू जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि यह अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश अपने इन युवा साथियों का जो देश के कोने कोने में युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं, अपने इन सभी युवा साथियों का स्वागत करने और उनकी ऊर्जा का उपयोग हम समाज और राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकेंगे, यह एक अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि यह महोत्सव 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है और इस दौरान आपको यहां पर पूरे देश से आए हुए इन युवा साथियों के जीवन के अनुभव को जानने और उन अनुभवों से और उनकी युवा ऊर्जा से बहुत कुछ सीखने और जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। हर एक के पास कुछ नया अनुभव होगा। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहां पर अनेकता में एकता है और अनेकता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। ये विशेषता जाति में है, मत पंथ और संप्रदाय में है, वेशभूषा में है, भाषा में है, खान पान में है, रहन सहन में है, लेकिन ये अनेकता एकता में तब बनती बदल जाती है जब वो अनेकता एक भाव और एक भावना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है और ये भारत लघु भारत का निर्माण आज इस रूप में हम सबको देखते हुए यहां पर बन रहा है। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विगत वर्ष हमें उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैं आपको बताऊं कि कुंभ के आयोजन के पहले लोग मुझसे पूछते थे कि कुंभ में कितने लोग आएंगे तो मैं कहता था कि जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उससे कम श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में नहीं आएंगे। इस बात को नोट करना और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ में 24.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया था। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है और कुंभ के आयोजन में 24.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के एक कीर्तिमान स्थापित किया और साथ ही साथ कुंभ का आयोजन पहली बार सुरक्षित, सुव्यवस्थित और स्वच्छता का एक नया संदेश देकर के भी देश और दुनिया को गया है। और इस बार मेरा सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों को आप सभी युवाओं के साथ
युवा कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और ये युवा कुंभ देश की युवा ऊर्जा का प्रतीक बन करके देश के 65 करोड़ युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा। इस दृष्टि से आज मैं एक बार पुनः इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आपने प्रातःकालीन कार्यक्रम देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी के उस पवित्र मंदिर में प्रातःकाल ही उन्होंने कोलकाता में वहां जाकर के दर्शन किए, वहां के सन्यासियों के साथ भेंट की और उनके साथ ही उन्होंने देश को अपना मूल्य संदेश स्वामी विवेकानंद जी के उन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करने का एक संदेश उन्होंने वेलोर मठ से ही वहां से कोलकाता से दिया है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी और वह बात उन्होंने कही थी कि जब कोई मनुष्य अपने पूर्वजों के बारे में ही लज्जित होने लगे तब समझ लो कि उसका अंत आ गया है। यानी हम अपने अतीत के गौरवशाली क्षणों पर जब गौरव की अनुभूति न कर पा रहे हो, अपने पूर्वजों पर, अपने उस उन महापुरुषों के पुरुषार्थ पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय जब हमें लज्जा महसूस होने लगे तो समझ लो कि फिर हम अपने आगे के भविष्य को स्वयं कुंद कर दे रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अतीत से कटा व्यक्ति वर्तमान का त्रिशंकु होता है। त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह किसी उद्देश्य में सफल नहीं होता है, वह भटकता रहता है। और हमें पेंडुलम नहीं बल्कि एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य करना है और उस निरंतर कार्य करने की उस प्रवृत्ति का हिस्सा हम बन सकें, इसके लिए 23वां युवा महोत्सव आप सबका आह्वान करने के लिए स्वामी विवेकानंद के उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब आगे बढ़ सकें, यह एक प्रेरणा या 23वां युवा महोत्सव हम सबको प्रदान कर रहा है। यह देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि यह देश 1947 में बना। और इसीलिए मैकाले मानसिकता के उन लोगों ने इस बात को बढ़ा चढ़ा करके भी प्रस्तुत किया और उस पर उन्होंने इस रूप में टिप्पणी की कि वी आर नेशन इन द मेकिंग, यानी हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं। और कुछ लोगों ने तो उससे भी आगे जाकर के कह दिया है कि आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट, यानी लोग दुर्घटना से पैदा हो गए, ये कहने में भी कुछ लोगों को संकोच नहीं हुआ। और भाइयों बहनों, जब लोग हमारे बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में इसकी अस्मिता, इसकी एकता और इसकी अखंडता पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं, तब हम लोगों को भारत के उस अतीत से, जिस अतीत के बारे में स्वामी विवेकानंद ने हम सबको एहसास कराया था, उस ओर झांकना ही पड़ेगा, उस ओर देखना ही पड़ेगा। और जिन्होंने उस समय कहा था, अगर आप देखेंगे, हमारा वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं और वेद हमें किस बात की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारा अथर्ववेद कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी हम सब, यानी ये भारत हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। यह भाव दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद के रूप में हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और यही नहीं, यजुर्वेद ने
इस बात का आह्वान हमारे लिए सदा का सदैव किया कि वयम राष्ट्रे जागरियाम कुहिता, यानी राष्ट्र की उन्नति प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वेद हमें प्रेरणा, हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक साधना से प्राप्त जो तत्व ज्ञान इन पवित्र ग्रंथों में निहित है, वो हमें किस प्रकार की प्रेरणा दे रहा है। लेकिन जिन लोगों को भारत के अतीत की जानकारी नहीं, वे भारत को एक राष्ट्र मानने से ही इनकार करते रहे। वे भारत के बारे में आज भी किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। देश के कुछ चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में लगने वाले नारे इस बात के बारे में निरंतर हम सबको कचोड़ते हैं, इस बारे में हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं और हम सबको सचेत भी करते हैं कि इस देश के खिलाफ खड़यंत्र करने के अड्डे कहां पर हैं। भारत के इस संसाधनों से पलने वाले लोग और भारत के खिलाफ ही खड़यंत्र करके भारत को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की आग में झोंकने का कार्य किस रूप में कर रहे हैं, आपने देखा होगा उनके वक्तव्यों में भी, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि वेद हमें किस प्रकार की प्रेरणा दे रहा है। और साथ साथ अगर आज से 2.5 से 3 हजार वर्ष पूर्व पुराणों में हम जाएं, तो पुराण भी हमें भारत की सीमाओं के बारे में स्पष्ट उसका एक चित्र हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं देख रहा था विष्णु पुराण की एक श्लोक को मैं देख रहा था और उन्होंने भारत की सीमा का उल्लेख किस रूप में किया। विष्णु पुराण कहता है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी 2.5 हजार वर्ष पहले हमारा पुराण आज के इस भारत के बारे में यह स्पष्ट रूप से बोल देता है, यानी हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर जो यह देवताओं के द्वारा निर्मित यह भूभाग है, यह भारत है और इसकी संतति ही भारतीय कहलाती है। ये भारतीयता का एहसास कराने वाला आज से 2.5 से 3 हजार वर्ष पुराना श्लोक उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो लोग हमें आज भी ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम अभी तो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं। मुझे याद है मैंने एक बहुत पहले केरल के एक पूर्व साम्यवादी मुख्यमंत्री श्री अच्युत मेनन की एक मलयालम पुस्तिका में उनके एक आलेख को पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने 80 के दशक में एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था, उन्होंने कहा था कि जब इस देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही थी उस समय देश के अंदर राजनीतिक एकता के अभाव में हम लोग ये मानते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं, ये बहुराष्ट्रीयताओं का समूह है। लेकिन जब मुझे इसकी तह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उसकी गहराइयों में मैं गया और मैंने पाया कि वास्तव में हम जिसे भाषा कहते हैं, हम जिसे अलग अलग भाषा भाषी कहते हैं, या जो हम राजनीतिक रूप से भले ही मतभेद रखते हो, ये वास्तविकता नहीं है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, पूरे देश की भाव और भावनाएं एक जैसी हैं। और ये मेरे दिमाग में तब आती है जब मैं देखता हूं कि केरल से ही निकला हुआ एक सन्यासी आदि शंकराचार्य के रूप में देश के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना करके भारत की एकात्मता का संदेश देकर के चला जाता है। अगर भारत एक राष्ट्र नहीं होता तो केरल से निकला हुआ एक सन्यासी भारत के चार कोनों में चार पीठों की स्थापना कभी नहीं कर पाता। और तब उन्होंने कहा था कि जिन्हें हम मंदिर कहते हैं
जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, वास्तव में केवल आस्था और उपासना के केंद्र नहीं, बल्कि सही मायने में हमें देखना है तो ये केंद्र राष्ट्रीय एकात्मता के भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और उन महत्वपूर्ण केंद्रों का संरक्षण भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। ये केरल के एक साम्यवादी पूर्व मुख्यमंत्री के इन शब्दों को काश उसी विचारधारा से अनुप्रेरित लोग देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के वातावरण को प्रदूषित करने से कुछ भी प्रेरणा ले होते तो संभवतः भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की उनकी कुत्सित मंशाओं में विराम लगा होता। कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो साजिशें भारत के खिलाफ करने के प्रयास हो रहे हैं उन पर उनको एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य यहां पर देखा, अभी उन्होंने इसी बात को लेकर के किया कि भारत दुनिया के अंदर एक नई ताकत के रूप में उभरता हुआ भारत है। किस रूप में भारत अपनी एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा अभी अमेरिका और ईरान के बीच जो नई वो द्वंद्व शुरू हुआ है। आज इससे पहले क्या बात उठती थी, दुनिया के अंदर कहीं दो देशों के बीच में युद्ध होता था, तनाव होता था, तो कहा जाता था कि अमेरिका या रूस उसमें मध्यस्थता करेगा, लेकिन इस बार एक नई आवाज उठी है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस तनाव में मध्यस्थता की मांग उठी है तो भारत की उठी है और प्रधानमंत्री मोदी की उठी है। ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है, ये न्यू इंडिया जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए आगे बढ़ा है और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका आप सभी युवा साथियों की होने जा रही है। उस नए भारत के युग निर्माता के रूप में आप सब अपनी इस भूमिका के साथ आगे बढ़ सकें, इस उद्देश्य इस युवा महोत्सव के कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं। मित्रों, हम सबको इस नए भारत की ताकत को पहचानना होगा और इस नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प के साथ हम सबको भी जुड़ना होगा। और वह जुड़ना किस रूप में होगा, तमाम प्रकार के षड्यंत्र होंगे, तमाम प्रकार के वक्तव्य आएंगे, लेकिन हमें सोचना होगा इसके बारे में। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक वक्तव्य दिया था, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलने वाला वक्तव्य है। उन्होंने कहा था कि शताब्दियों की गुलामी के परिणाम स्वरूप हमने कुछ एक विकृतियां, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, आर्थिक विषमता आदि की इन समस्याओं को उत्पन्न होते हुए देखा है, परंतु इसे अपना हथियार बना करके कोई विदेशी हमारे सत्व को चुनौती दे ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं। ये जो भेदभाव है अगर कहीं पर है ये हमारा घर का मामला है और घरेलू मामले का समाधान घर में बैठ करके हम करेंगे, लेकिन बाहर की किसी ताकत को इसमें हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ये बातें थी ये वैसे ही नहीं थी, उनके ये वक्तव्य ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस व्यक्तित्व को इतना विराट बना दिया। आप आजादी के समय जब ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, इस देश के अंदर वंचितों की दो आवाज थी, एक डॉक्टर बी आर अंबेडकर और दूसरा श्री जोगेंद्रनाथ मंडल। मित्रों, ये दो आवाज थी देश के अंदर 1940 के दशक के पहले, आजादी के पहले देश के अंदर।
मुख्यमंत्री योगी के भाग लेने के लिए अपने आप को समर्पित किया था। याद करिए 1946 में जब मुंबई से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव परास्त करवा दिया गया था एक साजिश के तहत, उस समय श्री जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कोलकाता की अपनी सीट छोड़ करके उन्हें नेशनल असेंबली में भिजवाने के लिए अपना योगदान दिया था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत और भारतीयता की सदैव हिमायती थे। उन्होंने देश के विभाजन का विरोध किया था और जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के उस लालच में आ गए और उन्होंने गलती से ही सही लेकिन पाकिस्तान का समर्थन किया। ये दोनों नेता एक भारत में रहा एक पाकिस्तान चला गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत में भारत के कानून मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ और जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान का कानून मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। पाकिस्तान के अंदर वहां के अल्पसंख्यकों के साथ जिस प्रकार का निर्मम और बर्बर अत्याचार होता है और जब कानून मंत्री के रूप में उन्हें संरक्षण देने में जोगेंद्रनाथ मंडल विफल रहे तो 1950 में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वापस भारत के अंदर एक शरणार्थी का जीवन यापन करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। 1964-65 में कोलकाता में एक गुमनाम मौत मरे, जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई नहीं जानता लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न हो गए। भारत के बच्चे बच्चे की जवान में है, भारत के संविधान के शिल्पी बन गए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पंच तीर्थ के रूप में परिवर्तित करके भारत के आम जनमानस को वंचितों और दलितों के लिए दुनिया के पीड़ित मानवता के लिए एक आशा के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करके उनके सामने एक नए तीर्थ के रूप में उन्हें विकसित करके दे दिया है। यही अंतर होता है और इसी बात को लेकर के महर्षि अरविंद ने कहा था, उन्होंने कहा था इस युग का सबसे बड़ा पाप है अपने राष्ट्र के साथ धोखा, राष्ट्र के विभाजन की मांग करना, राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने की कुत्सित चेष्टा के साथ प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना, ये देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है और अपने जीवन के साथ सबसे बड़ा पाप है और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करना ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है और यही तो महर्षि अरविंद ने किया था। और देश की आजादी की लड़ाई में जिन दो वंचित चेहरों ने योगदान दिया था उन दोनों के पुण्य को और उसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न बने, दुनिया के हर वंचित हर पीड़ित की आवाज बन गए, जोगेंद्रनाथ मंडल शरणार्थी के रूप में गुमनाम जीवन जीने के लिए मजबूर हुए और अंततः कोई उनके इतिहास के बारे में कोई जानता भी नहीं। याद रखना हम सबको अपने जीवन में इस बात को सदैव सजोए रखना होगा, हम सबको इस बारे में करना कैसे देखना होगा क्योंकि ये ऊर्जा जो युवा ऊर्जा है हमारी, युवा के बारे में कहते हैं कि युवा परिस्थिति का नाम नहीं एक मनस्थिति है जो लाभ हानि नहीं देखती, जो सत्य के साथ न्याय के साथ खड़ी हो सकती हो लाभ हानि की प्रवाह के बगैर, वो सत्य और न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकती हो। और ये लड़ाई जिसने भी इतिहास को गढ़ा है इतिहास को बनाया है ये वही ऊर्जा है जिसने कभी भी लाभ हानि की प्रवाह के बगैर जब अपने आप को होम किया है। हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं, क्यों वे भारत की इंकलाब की आवाज बन गए, क्यों चंद्रशेखर आजाद ठाकुर होसन सिंह राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकउल्लाह खां देश की आजादी के क्रांति दूत बन गए, क्यों भारत का हर युवा आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उन आवाजों को उन
नारों को आज भी स्मरण करता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी भारत का प्रत्येक भारतीय का नारा बन गया, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं था, परमार्थ था। क्योंकि ये कार्यक्रम उसी उद्देश्य से थे कि हमें देश की स्वाधीनता के लिए अपने आप को बलिदान करना है। आप यहां पर जब कार्यक्रम प्रारंभ होते समय उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झांकी को आपने देखा होगा, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब वह देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रही थी उस समय उनको उम्र कितनी थी? मात्र 23 वर्ष। 23 वर्ष की उम्र में वह झांसी की आजादी की, भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही है और अपने आप को बलिदान करती है। वीर सावरकर, एक ही जन्म में दो आठ जन्म कारावास की सजा। जब वीर सावरकर को आज जन्म कारावास की सजा होती है उस समय वीर सावरकर की उम्र एक नहीं दो आज जन्म कारावास की सजा होती है उस समय। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/abpganga। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/abpganga।